We're not high enough. दोस्तों, चलते चलते रास्ते पर अगर हमें 20 रुपए का नोट भी पड़ा हुआ मिल जाता है तो हम लोग उसको उठाकर ही अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान लेते हैं और सोचते हैं कि आज किस्मत हमारे साथ है। लेकिन यकीन मानिए, आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरों में उस 20 रुपए के नोट वाले भाग्य की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम लोग आपको दुनिया के 10 सबसे ऐसे भाग्यशाली लोगों की कैमरे में रिकॉर्ड भाग्यपूर्ण हरकतें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप असलियत में चौंकने वाले हैं। द लॉटरी लेडी। दोस्तों, हमें कभी अचानक से कोई रकम या बहुमूल्य चीज बिना मांगे मिल जाती है या छोटी मोटी कोई लॉटरी लग जाती है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। पर इस वक्त जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि चार चार बम्पर लॉटरियों का इनाम जीता है। इन भाग्यशाली दीदी का नाम है जोन गिंथर और ये एक साथ कई हजार लॉटरी के टिकट हमेशा से खरीदती थी और इसी तरह एक बार इनकी किस्मत खुल गई और सन 1993 में इन्होंने $5.4 मिलियन का बड़ा इनाम जीता। पर ये सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि इसके बाद 2006 में ये $2 मिलियन और जीती, फिर 2008 में $3 मिलियन और जीते। लेकिन मोहतरमा के सारे पैसे तो असल में तब वसूल हुए जब साल 2010 में उन्होंने पूरे के पूरे $10 मिलियन की लॉटरी जीती, जो उस समय के हिसाब से तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए के बराबर आंके जा सकते थे। मतलब यार, सच में किस्मत हो तो ऐसी। चीटिंग डेथ ट्वाइस। डच साइकिलिस्ट मार्टिन द जोंस की जिंदगी में दो बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने दो अलग अलग डेट्स में अपनी फ्लाइट को कैंसिल किया और उनकी खुशकिस्मती देखिए कि दोनों ही बार उन्होंने जिस हवाई यात्रा को कैंसिल किया था वो दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसमें से कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। मार्टिन एक प्रसिद्ध साइकिल रेसर थे जिसके कारण उन्हें दुनिया भर में यात्रा करनी होती थी। इसी के तहत किसी कारणवश उन्होंने पहली बार MH-17 की यात्रा को कैंसिल किया और वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। ठीक उसी तरह जब दूसरी बार भी इन्हें MH-370 प्लेन की यात्रा रद्द कर दूसरे प्लेन पर यात्रा करनी पड़ी तो उसी यात्रा के दौरान MH-370 उड़ान भरने के बाद कहीं दिखाई ही नहीं दिया और वो फ्लाइट सभी यात्रियों समेत रहस्यमय रूप से गुमशुदा हो गई। अब इसे चाहे मार्टिन का दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य, पर सच्चाई तो यही है कि उन्होंने जिस भी प्लेन को कैंसिल किया उसमें से कोई भी यात्री कभी भी जिंदा नहीं मिला। विमन हु सर्वाइव फ्रॉम डिजास्टर। ये घटना है ढाका की, जहां साल 2013 में एक गारमेंट फैक्ट्री गिर गई थी और इसमें काम करने वाले सभी 1100 लोग मारे गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक टीनेजर लड़की ही मौत के खिलाफ इस जंग को जीत पाई थी। रेशमा बेगम नाम की ये लड़की उस समय 19 साल की थी और सभी वर्कर्स के साथ वो भी उस समय फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही थी कि तभी अचानक से वो गारमेंट सोप गिर गई और सब उसके मलबे के नीचे दब गए। लेकिन इस बहादुर लड़की ने मलबे के नीचे भी हिम्मत नहीं हारी और 17 दिन तक बारिश के पानी और वर्कर्स के बासी पुराने खाने की बदौलत सर्वाइव कर गई। इतनी चोटों के बाद भी 17 दिनों तक ये लड़की अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ती रही और बाद में जब इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसका इलाज करवाया गया तो कुछ ही दिनों में वापस से स्वस्थ होकर एक मिसाल की तरह ही अपने काम में वापस से जुट गई। When luck met death। हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर व्यक्ति एक बार ही जन्म लेता है और एक बार ही मरता है, लेकिन अब जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। ये घटना है साल 1999 की, जब बिल मोर्गन नाम के एक ट्रक ड्राइवर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन भाग्यवश इनकी जान किसी तरह बचा ली गई। इसके बाद कई दिनों तक इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान इन्हें जो दवाइयां दी गई उनसे इन्हें एलर्जी शुरू हो गई और एलर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी दिल की धड़कनें भी रुक गई। डॉक्टर ने धड़कनों के रुक जाने पर इन्हें मृत घोषित कर दिया और करीब 14 मिनट तक इनका शरीर एक मुर्दे के रूप में ही रहा, लेकिन फिर अचानक मानो जैसे कोई चमत्कार हुआ और बिल मोर्गन, जिसके दिल की धड़कनें रुक गई थी, वो अचानक से वापस जिंदा हो गया और उसके बाद उनकी सभी बीमारियां भी ठीक हो गई। लेकिन मौत से वापस लौटने के बाद तो जैसे इन्हें किस्मत ने एक गिफ्ट देकर भेजा था, क्योंकि इसके बाद न सिर्फ इन्होंने शादी कर ली बल्कि शादी के बाद इन्होंने एक लॉटरी का टिकट भी खरीदा जिसमें इन्होंने पूरे $17,000 का इनाम जीता। इतने भाग्यशाली व्यक्ति के बारे में सुनकर न्यूज रिपोर्टर भी उत्सुकतावश उनका इंटरव्यू लेने इनके घर पहुंच गए, लेकिन वहां इससे भी ज्यादा एक और रोमांचक घटना घटी। दरअसल इंटरव्यू लेने आए किसी रिपोर्टर ने इनके भाग्य को टेस्ट करने के लिए इनसे लॉटरी का एक और टिकट खरीदने को कहा और इन्होंने भी उसके कहने पर एक टिकट खरीद लिया, पर मात्र इस एक पल ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया क्योंकि इनकी किस्मत भी इस टेस्ट में पास हुई और उपहार के रूप में उन्होंने इस टिकट से पूरे $2.5 लाख का इनाम जीता, जो सच में अद्भुत है। जस्ट ए फ्यू इंचेस अवे। अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर और उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस घटनाक्रम में रोज की ही तरह एक व्यक्ति किसी काम से दोपहर के तकरीबन 2 बजे अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि अचानक तभी कहीं से एक लोहे की रोड उसकी गाड़ी के सामने के शीशे को आर पार करती हुई उसके ठीक सामने आ जाती है। ठीक फिल्मों की तरह वो रोड उस व्यक्ति की सीट पर पहुंच जाती है, बस फर्क ये था कि वो रोड उस व्यक्ति से बस कुछ ही इंच दाईं ओर जाकर रुक गई, वरना अगर वो फासला न होता तो उस व्यक्ति की कितनी दर्दनाक मौत हो सकती थी ये कोई सपने में भी नहीं सोच पाता। खैर, खुशकिस्मती से मात्र गाड़ी का शीशा ही टूटा और इनकी जान बाल बाल बच गई। द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर।
साल 1971 में जब जूलियन कैपकी क्रिसमस की रात को अपनी माँ के साथ रेड फॉरेस्ट के ऊपर प्लेन में सफर कर रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है और प्लेन लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। जूलियन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद बेहोश हो जाती है और बाकी सभी यात्री इस हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जूलियन इस हादसे में जिंदा बच जाती है। पूरे दो दिन बेहोश रहने के बाद जब इन्हें होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि इनके हाथ की हड्डी टूट चुकी है और साथ ही साथ कई गंभीर चोटों का भी इन्हें एहसास होता है। लेकिन इनके लिए इससे भी बड़ी समस्या इस घने जंगल से अकेले बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की थी। इनके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और ये पूरे 10 दिनों तक जंगल में भटकती रही, लेकिन अंततः कुछ लोगों को इनके बारे में पता लगने पर वो उन्हें बचाने समय पर पहुंच गई, जिसके बाद जूलियन को वहां से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। लकीएस्ट ब्लाइंड ऑन अर्थ। दोस्तों, जब बारिश के दौरान बिजली कड़कती है तो हम सभी डर जाते हैं कि कहीं बिजली ना गिर जाए, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारे लिए काफी लकी भी हो सकती हैं। जैसे साल 1980 में 62 साल के एडमिन रॉबिन्सन पर अचानक से आसमानी बिजली गिर गई थी, लेकिन इस घटना के बाद इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और पूरे 9 साल के बाद उन्होंने दुनिया को दोबारा से देखा। जब ये किस्सा दुनिया के सामने आया तो ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि आखिर एक प्राकृतिक आपदा इनके लिए वरदान कैसे साबित हो गई। दोस्तों, अब जिस घटना की हम बात करने वाले हैं वो पूरी तरह से एक मिरेकल है। दरअसल जब ब्रोक माइस्टर का जन्म हुआ था तो वो एक सामान्य नवजात शिशु की तरह सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसके लिए बचपन में इनका काफी इलाज हुआ और जब ये युवावस्था में आए तब भी इन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा क्योंकि इन्हें ब्रेन कैंसर भी हो गया था। पर इनके भाग्य ने सबसे पहली दस्तक तब दी जब इन्होंने अपने लाइलाज ब्रेन कैंसर को भी हरा दिया। पर इससे भी बड़ी बात तो तब हुई जब ये 22 साल के थे और अपने किसी दोस्त के साथ कार में जा रहे थे। उस वक्त ये शराब पी रहे थे और उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने घर पहुंचने वाले थे तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये गाड़ी से बाहर सीधा जमीन पर आ गिरते हैं, जिससे उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आती है। लेकिन जब हॉस्पिटल में एक्सरे किया गया तो डॉक्टर्स देखते हैं कि इनका सिर इनके स्पाइनल कॉर्ड से पूरी तरह से अलग हो चुका है, जिसके बाद कोई भी औसतन व्यक्ति सीधा मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन इनका भाग्य एक और असंभव परिस्थिति को मात दे देता है और ये वापस से ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इनके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड पर्ल। दोस्तों, जीने मरने की बातें तो बहुत हुई, पर अब जानते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसकी शॉपिंग के दौरान ही उसकी किस्मत बदल गई। डेरी प्रेस नाम की एक महिला जब शॉपिंग करके मार्केट गई तो उन्होंने 50 सेंट का एक ओइस्टर खरीदा, लेकिन घर जाते ही इनके तो जैसे भाग्य खुल गई, क्योंकि जिस ओइस्टर को इन्होंने खरीदा था उसके अंदर इन्हें एक मोती मिला जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना बड़ा जरूर था कि उससे इन्होंने अपने लिए $500 की एक अंगूठी बनवा ली। असल में इन्हें जो मोती मिला था वो लाखों में से एक था और जल्दी से कहीं भी मिलता नहीं था, और शायद इसलिए ही इन्हें इनके इन्वेस्टमेंट से 1000 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला। दोस्तों, अब जिस इंसान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसकी कहानी को सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जब ऊपर वाला आपको बचाना चाहता है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल नॉर्वे के एक स्काई डाइवर ने जब प्लेन से छलांग लगाई तो ठीक उसी वक्त आसमान से कुछ मीटियोरॉइड्स गिरने लगे और कुछ तो उनके पैराशूट के इतने करीब से गुजर रहे थे कि उनका फासला बस कुछ ही सेंटीमीटर का था। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर एक भी मीटियोरॉइड इनके पैराशूट से टकरा जाता तो उसका क्या परिणाम होता, क्योंकि ये मीटियोरॉइड्स जब तेज रफ्तार से आसमान से नीचे की ओर गिरते हैं तो भले ही उनका साइज छोटा हो पर वो जिस भी चीज से टकराते हैं उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी पत्थर इन्हें या इनके पैराशूट को फाड़ पाने में सफल नहीं हुआ, वरना अगर ऐसा होता तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो इन्हें जिंदा बचा लेती। बाद में जब इन्होंने दुनिया के साथ इस घटना को शेयर किया तो लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना ना तो इतिहास में पहले कभी देखी गई थी और ना ही इसे देखने की किसी ने कल्पना भी की होगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। क्या आपके साथ भी कभी जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। क्या पता अगली बार हम आपकी कहानी को भी अपने वीडियो में ले लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।